असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज से हम जो नाइन्थ क्लास की न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन है और एक्सरसाइज़ है वन पॉइंट वन आईडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज़ रैशनल एंड इ रैशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ नीचे दी हुई हैं ट्वेल्व वैल्यूज़ हैं उसमें आपने बताना है कि कौन सी रैशनल है और कौन सी इ है तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बट वो बच्चे जिनको नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि रैशनल नंबर हैं हमारे पास ए अपॉन बी ठीक है और ये हर वो वैल्यू जो अपॉन में होगी ए अपॉन बी बट नंबर जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो ठीक है ए अपॉन बी और बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो हर वो नंबर जो के A B कि ए अपॉन बी होगा यानी कि अपॉन में होगा और दोनों नंबर इंटीजर्स होंगे और बी जो है ज़ीरो नहीं होगा डैट मीन्स कि सिर्फ़ एक वैल्यू नहीं हो सकती अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए अपॉन में जीरो मतलब नीचे कुछ नहीं है वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पर हम देखें तो वन अपॉन फाइव जो है वो हमारे पास इंटीजर्स है नीचे ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या है रैशनल नंबर फिर आप यहाँ पर अलग अलग कॉलम करके लिखेंगे बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे रैशनल नंबर दूसरी तरफ इ रैशनल और इस तरह से इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे सेपरेट कर देंगे फिर यहाँ पर आप देखें स्क्वायर रूट है टू है अंदर और नीचे है एट की वैल्यू तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात कही थी कि नंबर जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए अब स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर नहीं है जिन नंबर पर स्क्वायर रूट होता है वो नंबर इंटीजर्स नहीं होते ऐसे तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन में नहीं होंगे इंटीजर्स नहीं होंगे तो वो होंगे इरेशनल नंबर तो यहाँ पर है ये इरेशनल नंबर ठीक है इसी तरह ये भी है इरेशनल नंबर क्योंकि नीचे जो है इंटीजर नहीं है फिर यहाँ पर टू अपॉन एट नंबर है वन अपॉन थ्री इेशनल नंबर फिर स्क्वायर रूट के अंदर एट है तो ये भी है इ नंबर फिर ई इेशनल नंबर क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर अपॉन में होता है दोनों नंबर इंटीजर्स होते हैं पाई इेशनल नंबर स्क्वायर रूट में फाइव है रूट में फाइव है इ नंबर ट्वेंटी टू अपॉन थ्री नंबर 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 एंड तो पर आपको पता चल गया रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इेशनल नंबर कौन से होते हैं इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो के पॉइंट में नहीं होते ठीक है क्वेश्चन नंबर टू में है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आप ये जो नंबर है उन्हें डेसिमल में करना है डिवाइड करेंगे डेसिमल आ जाएगा डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं इन्हें इंडिकेट करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से यहाँ पर मुराद है आपकी बुक में ऊपर एग्जाम्पल भी दी हुई है आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से यहाँ पर मुराद है जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर फाइव फाइव डिवाइड बाई एट करते हैं तो हमारे पास आया जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जिसमें नंबर का एंड होता है ठीक है अब आ, आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आप इस तरह डेसीमल में चेंज करते हैं तो आगे लाइक आ रहे होते हैं जीरो पॉइंट थ्री 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 ठीक है तो वो जो है फिनिट नहीं होता यानी कि वो मुसलसल नंबर चल ही रहे होते हैं वो इनफिनिट होता है ठीक है तो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं तो वो नंबर जो इस तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेंगे वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और ऐसे नंबर जो के एंड हो जाते हैं जिनका एंड पॉइंट होता है तीन चार नंबर के बाद वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग तो यहाँ पर हमने 5.8 का देखा तो 5.8 का आया 0.625 तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं 5 अपॉन एट ठीक है तो 5 अपॉन एट को हमने डिवाइड किया आया 0.625 पॉइंट पॉइंट इव और यहाँ पर फाइव पे नंबर एंड हो रहा है डेट मीन्स के इनका एंडिंग पॉइंट है तो ये है टर्मिनेटिंग नेक्स्ट है हमारे पास फोर अपॉन एटीन फोर अपॉन एटीन को हम करेंगे फोर अपॉन एटीन विच इज़ जीरो पॉइंट टू 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 सो ज़ीरो पॉइंट टू 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 आप यहाँ पर आपने देखा एंडलेस नंबर थे इन्फिनिट नंबर थे और एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में आगे टू टाइप्स आ जाती हैं एक आ जाती है रिकरिंग रिकरिंग में वो नंबर होंगे जो कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और एक आ जाती है नॉन रिकरिंग यानी कि इसमें होगा कि नंबर तो एंडलेस होगा इन्फिनिट होगा बट नंबर जो है वो डिफरेंट होगा ठीक है एक के बाद एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ठीक है फिर है वन अपॉन फिफ्टीन वन अपॉन फिफ्टीन वन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन जीरो पॉइंट सिक्स 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 सेवन तो यहाँ पर भी तकरीबन एक ही नंबर शो हो रहा है सिक्स 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 तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग टिन्यू तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन देन है फोर्टी नाइन अपॉन एट फोर्टी नाइन अपॉन एट फोर्टी नाइन अपॉन एट इज सिक्स पॉइंट वन टू फाइव सो सिक्स पॉइंट वन टू फाइव बट यह है टर्मिनेटिंग क्योंकि इसका एंडलेस नंबर क्या है फाइव टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन देन फाइव टू हंड्रेड सेवन अपॉन फिफ्टीन टू हंड्रेड सेवन अपॉन फिफ्टीन थर्टीन पॉइंट एट तो ये भी क्या है terminating decimal fraction terminating decimal fraction last hai 50 upon 76 50 upon 76, 0.6578. सेवन एट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर एंडलेस हैं बट नंबर एक के बाद एक सेम नहीं है रिपीट नहीं हो रहा यानी कि सब सिक्स नहीं है या फाइव आगे नहीं आ रहे नंबर चेंज है ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव सेवन और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग यानी कि एक ही नंबर जो है वो बार बार नहीं आ रहा नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी कम्प्लीट हुआ फर्स्ट में था रैशनल एंड रैशनल सेकेंड में हमने देखा कि इन्हें डेसिमल में किस तरह से चेंज किया जाता है और साथ ही इसके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी देख लिया हमने इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन अब नंबर लाइन में आपने इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसके लिए हम ऊपर जो आपके चैप्टर में एग्जाम्पल दी हुई है पहले वो समझ लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सो रिप्रेजेंट द नंबर माइनस वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू ऑन द नंबर लाइन तो यहाँ पर हम सब जानते हैं ये नंबर लाइन है दरमियान में है ज़ीरो ज़ीरो के बाद यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नंबर जो होगा वो वन होगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर भी ज़ीरो के इस तरफ जो है वो होंगे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो के इस जानब होंगे नेगेटिव नंबर ठीक है तो यहाँ पर हमें वैल्यूज भी माइनस वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू दी हुई है तो वन अपॉन टू का हमने देखना है कि लाइन में हम किस तरह से पुट करेंगे तो हम देख लेते हैं कि वन को जब हम वन को जब हम डिवाइड करेंगे टू से तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है हमारे पास आई जीरो पॉइंट फाइव सो जीरो पॉइंट फाइव है डेट मीन्स पॉइंट फाइव वैल्यू कौन सी है जीरो के बाद जो पहली लकीर है वो है हमारे पास पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वन अपॉन टू ठीक है तो यहाँ पर वन अपॉन टू प्लेस हो गया नंबर लाइन पर देन माइनस वन टू सेम है जीरो के बाद पॉइंट फाइव माइनस वन टू है तो वैल्यू होगी माइनस के अंदर तो जीरो के तो हम दूसरी तरफ इसे पुट करेंगे जीरो के बाद फाइव लाइंस पे तो यहाँ पे माइनस वन पॉइंट टू हमने नंबर लाइन पे पुट कर दिया ठीक है बहुत ही सिंपल है इसके बाद एग्जाम्पल टू देखें थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू uh, जो है डिफरेंट है वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव आप यहाँ पर देखें वन पॉइंट फाइव यानी कि वन के बाद फाइव पॉइंट पे ये नंबर प्लेस होगा कहाँ होगा नेगेटिव पे तो इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन पॉइंट फाइव तो यहाँ पर वन माइनस का वन और देन आ गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव के ऊपर जो है वन पॉइंट फाइव माइनस का प्लेस हो गया अब यहाँ पर वन एंड वन अपॉन फाइव है वन साइड पे है तो यहाँ पर आपने फाइव वन जा फाइव और वन क्या हो जाता है सिक्स अपॉन फाइव तो हम सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव क्या आया वन पॉइंट टू सो वन पॉइंट टू तो यहाँ पर वन और फिर पॉइंट टू वन के आगे टू पॉइंट पे आ गए हमारे पास वन एंड वन अपॉइंट फाइव की वैल्यू तो इस तरह से हमें नंबर्स को नंबर लाइन पे पुट करना है तो चलें फिर आप क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास फर्स्ट है एट अपॉन टेन सो एट डिवाइडेड बाय टेन वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट एट तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर जीरो पॉइंट एट यानी कि जीरो के बाद पॉइंट एट जो होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर हमने पुट कर देना है इसे क्या है वैल्यू एट अपॉन टेन ठीक है दिन है माइनस का एट अपॉन टेन माइनस की साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस एट अपॉन टेन की ठीक है फिर है वन वन अपॉन फोर सो यहाँ पर वन सॉल्व करेंगे फोर वन जरा फोर एंड वन फाइव सो फाइव अपॉन फोर सो फाइव डिवाइडेड बाय फोर क्या होता है वन पॉइंट टू फाइव तो so, यहाँ पर हम टू फाइव को जो है कंसिडर करेंगे एक लकीर तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जीरो यहाँ पर देखिए फाइव अपॉन फोर है तो फाइव अपॉन फोर से पहले कितने नंबर होंगे वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर एंड फोर अपॉन फोर ठीक है अब फोर वनजा फोर तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन डैट मीन्स कि इससे पहले वैल्यूज क्या होंगी वन अपॉन फोर की हो जाएगी जीरो पॉइंट टू फाइव टू अपॉन फोर की होगी जीरो पॉइंट फाइव जीरो एंड थ्री अपॉन फोर की होगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसी लिए फोर अपॉन फोर की क्या ये वन तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट जो लगाएंगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर ये है हमारे पास वन अपॉन फोर यह है हमारे पास टू अपॉन फोर यह है हमारे पास थ्री अपॉन फोर अब यह क्या है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू वन वैल्यू वन डेट मीन्स के फोर अपॉन फोर ठीक है अब फाइव अपॉन फोर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास वन पॉइंट टू फाइव देखें फाइव डिवाइडेड बाय फोर की वैल्यू क्या है वन पॉइंट टू फाइव डैट मीन्स के वन के बाद पॉइंट टू फाइव तो वन के बाद जो फर्स्ट लकीर होगी वहां पर आ जाएगा फाइव अपॉन फोर इसी तरह दूसरी तरफ भी आप इसे कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास माइनस वन अपॉइन्ट फोर तो अगले में आप क्या करेंगे सेम इसी तरह से होगा बट माइनस की साइन माइनस की तरफ आ जाएगा तो वन टू थ्री फोर तो ये है हमारे पास माइनस वन अपॉइन्ट फोर ये है माइनस टू अपॉइंट फोर यह है माइनस थ्री अपॉइन्ट फोर और यहाँ पर आ गया माइनस वन क्योंकि ये क्या है फोर अपॉइन फोर माइनस का फोर अपॉन फोर होगा और नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी फाइव अपॉन फोर फाइव अपॉन फोर जो कि है हमारे पास माइनस का वन वन अपॉन फोर ठीक है फिर है टू अपॉन थ्री एंड माइनस टू अपॉन थ्री फाइव और सिक्स तो इसके लिए हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं अब आपने देखा कि वैल्यू है हमारे पास टू अपॉइंट थ्री टू अपॉइंट थ्री है डैट मीनस टू अपॉन्ट थ्री से पहले होगा वन अपॉइंट थ्री एंड टू अपॉइंट थ्री के बाद होगा थ्री अपॉन्ट थ्री थ्री अपॉन्ट थ्री मतलब थ्री वनजा थ्री थ्री वन जॉ थ्री so, सो यहाँ पर हमने क्या करना है वन टू अब ये हो गया वन अपॉन्ट थ्री ये हो गया टू अपॉन्ट थ्री और ये है हमारे पास थ्री अपॉन्ट थ्री यानी के थ्री अपॉइन्ट थ्री मतलब वन तो यहाँ पर आ गया ये टू अपॉन थ्री की वैल्यू और यहाँ पर आके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री है तो यहाँ पर आप चाहें तो आगे फोर अपॉन थ्री भी कर सकते हैं या फिर वन एंड टू अपॉन थ्री भी कर सकते हैं ठीक है फिर माइनस टू अपॉन थ्री है तो सेम अगली अगले क्वेश्चन में आपने इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर फिर आ जाएगा आगे माइनस का वन अपॉन थ्री और ये हो गया माइनस का टू अपॉइंट थ्री ये पॉइंट ठीक है माइनस तो का वन अपॉन्ट थ्री माइनस का टू अपॉइंट थ्री फिर आगे इसी तरह से ये आ गया वन माइनस का तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पे किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करते हैं ये आपको सिखाया आई होप के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसके बाद है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ़ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू सो यहाँ पर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं मैं आपको वही बताऊँगी किस तरह से उन नंबर को उन्होंने रेशनल नंबर फाइंड किए ठीक है ठीके? वैसे तो रैशनल नंबर काफी सारे हो सकते हैं वन एंड टू के दरमियान में बट जो आपकी बुक में दिए हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में फाइंड करने हैं वन से टू के दरमियान रैशनल नंबर्स राइट सो so आपने यहाँ पर वन एंड टू को कंसिडर करना है ए और बी डिवाइडेड बाय टू रैशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू अब यहाँ पर ए जो है वो है वन और बी जो है वो है टू ये एक आप कहने के फॉर्मूला होता है कि रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करने हैं बहुत ही सिंपल तरीका है सबसे पहले रैशनल नंबर फाइंड करेंगे ए प्लस बी तो यहाँ पर वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू क्या आया थ्री अपॉन टू ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर ठीक है आपकी बुक में भी ये नंबर दिया हुआ है थ्री अपॉन टू ठीक है इसके बाद अब हमने क्या करना है थ्री अपॉन टू यानि कि हम वन के साथ टू नंबर का इंटीजर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू तो हम सब जानते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है बट मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे निकलता है तो यहाँ पर हम देखेंगे बीच में प्लस है डेट मीन्स दूसरी तरफ नीचे वन है प्लस थ्री अपॉन टू एल्सीम लिया तो टू है वन है नीचे टू ही आएगा ठीक है फिर यहाँ पर थ्री अपॉन टू अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऊपर की वैल्यू किस तरह आई तो ऊपर की वैल्यू आती है थ्री अपॉन टू को हम करते हैं नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई सो तो यहाँ पर टू टू से कैंसिल हो जाता है और थ्री रह जाता है ठीक है अब यहाँ पर टू नहीं होता कोई और वैल्यू होती तो हम उसे उससे मल्टीप्लाई करते ठीक है तो यहाँ रह गया थ्री अब दूसरी तरफ है वन और नीचे भी वन है तो नीचे वन नहीं लिखने की ज़रूरत तो टू जो है डायरेक्ट वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू वन जार टू तो बीच में है प्लस तो ये आ गया टू टू और थ्री हो गए फाइव फाइव अपॉन टू तो यहाँ पर ये हो गया फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू अब ये टू यहाँ से जो है वो होगा मल्टीप्लाई सो फाइव अपॉन फोर हो गया तो ये आ गया हमारा सेकेंड इंटीजर फाइव अपॉन फोर इसके बाद हमने फाइव अपॉन फोर को लेना है वन के साथ सो वन प्लस फाइव अपॉन फोर डिवाइडेड बाय टू ये टू है यहाँ पर ठीक है सो so, अब यहाँ पर सेम हमने एलसीएम लिया तो नीचे फोर आ जाएगा फोर फोर से कट जाएगा ऊपर फाइव आ जाएगा और यहाँ पर फोर वनजा फोर हो जाएगा फोर एंड फाइव हो जाएंगे नाइन फिर अगेन नीचे वाला जो फोर है वो टू से मल्टीप्लाई होगा जैसे ऊपर वाला टू नीचे से हुआ था तो ये हो गया फोर और फाइव नाइन हो गए थे और फोर जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो फोर टू जाट नाइन अपॉन एट आ गया हमारा थर्ड इंटीजर अब लास्ट रह गया जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे आंसर्स में अब हमने यहाँ पर वन के साथ टू के लिए फाइंड किए थे अब यहाँ पर हम टू के साथ वन के लिए फाइंड करते हैं इंटीजर्स तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट कौन सा था थ्री अपॉन्ट टू आया था जो कि हम बाद में टू की जगह लेते गए थे आगे के नंबर तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब सो so यहाँ पर हम लेंगे थ्री अपॉन टू और फिर टू आ गया क्योंकि वन एंड टू था ए और बी वन प्लस वन प्लस टू था तो वन की जगह हमने थ्री पॉइंट टू लिखा यहाँ पर टू आ गया और नीचे अपॉन में वैल्यू है टू की ठीक है सो यहाँ पर हम एल सी एम लेंगे तो नीचे आ गया टू थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टू 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 से कैंसिल तो आ गया थ्री तो यहाँ पर आ गया थ्री प्लस टू अपॉन वन मल्टीप्लाई बाय टू सो टू टू ज फोर वन की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास वैल्यू आई सेवन अपॉन टू तो यहाँ पर हमने लिखा सेवन अपॉन टू ठीक है अब यहाँ पर आपको ये तमाम कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी कर सकते हैं बट आपको कैसे पता चला कि ये नंबर कैसे आए तो यहाँ पर ये यह नंबर इस तरह से आए हैं ठीक है सेवन अपॉन टू अपॉन टू ये टू यहाँ चला गया तो क्या हो गया सेवन अपॉन टू टू ज फोर तो ये आ गया हमारा एक और रैशनल नंबर तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा फिर है क्वेश्चन नंबर 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 गिव रीजन पाई पाई इज एन इरेशनल इरेशनल क्यों है क्योंकि ये एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर अगर हम कहें कि इसका जो डेसिमल होता है वो इन्फिनेट होता है यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन होती है इसका डेसिमल क्या होता है इन्फिनेट होता है इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है आपकी बुक में आप पीछे आंसर देख भी सकते हैं बिकॉज इसका जो डेसिमल होता है वो इन्फिनिट होता है ठीक है फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स है करेक्ट स्टेटमेंट्स करनी है सो फाइव अपॉन सेवन इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर नो ये रेशनल नंबर है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर यस जीरो पॉइंट थ्री वन फाइव नाइन वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग सो यस yes, ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है नॉन रिपीटिंग है तो ये है करेक्ट जीरो पॉइंट वन टू थ्री एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नो क्योंकि रिकरिंग में यानी कि रिपीटिंग में क्या होता है एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है तो ये है रॉन्ग वन अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री आर लेइंग बिटवीन जीरो एंड वन यस अभी हमने जब लाइन में पुट किए थे नंबर तो वन अपॉइंट थ्री और टू न थ्री जो है वो जीरो से लेके वन के, के दरमियान आ गए थे वन अपॉन अंडर उन् एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर रॉन्ग तो ये थी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी वीडियो हेल्पफुल है तो आपने इसे करना है लाइक शेयर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़